गुरमीत राम रहीम सिंह की प्रेरणा पर चलते हुए आज 45 मेंबर रोशन लाल इंसा ने अपने पिता सचखंड वासी जय सिंह इंसा का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया। रोशन लाल इंसा डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं और उन्हीं की पावन प्रेरणा से 134 मानवता भलाई के कार्यों पर चलते अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी की। जय सिंह इंसा की अर्थी को उनकी बेटी व पोत्रियों कंधा देकर इस मिथक को तोड़ दिया कि यह काम सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां नहीं। उन्होंने बताया कि पूज्य संत गुरमीत राम रहीम की पावन प्रेरणा से ही आज बेटियों को समाज में बेटों के बराबर का दर्जा मिला है। बेटियां वो सब कार्य कर सकती है जो बेटे करते हैं। रोशन लाल इंसा ने बताया कि उनके पिता जय सिंह इंसा 93 वर्षीय थे और डेरा सच्चा सौदा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर मरने के बाद किसी के काम आए। उनकी यह इच्छा पूरी करते हुए आज परिवार की सहमति से उनका शरीर डेरा सच्चा सौदा को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया गया। इस अवसर पर जिला करनाल से हजारों की संख्या में डेरा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जय सिंह इंसा को श्रद्धांजलि दी और उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। देखिए एक रिपोर्ट। हाँ जी, अनु जी बताएं आज का क्या प्रोग्राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, जिसमें 79 गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जीते जी हमारे प्रेमी खून दान करते हैं, मरने के बाद आंखें दान करते हैं, मरने के बाद शरीर दान करते हैं, जीते जी गुर्दा दान करते हैं। तो इसी तरह गुरुजी ने जो 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उसमें अपने प्रेमी जय सिंह इंसा जी जो हमारे रोशन जी हैं 45 मेंबर तो संगाओं से, उनके पिताजी आज सचखंडवासी हो गए, मालिक के चरणों में जा विराजे। तो उनका ये शरीर दान तेरा सच्चा सौदा हमारे गुरु जी की प्रेरणा से ये शरीर दान किया गया है जी। धन धन सतगुरु तेरे। तो क्या मोटिव है इसका? इसका उद्देश्य है जी, जो समाज में आने वाली बीमारियाँ हैं, रिसर्च के लिए ये बॉडी इंस्टीट्यूट में भेजी जाती है ताकि वहाँ पे रिसर्च हो सके और आने वाली बीमारियों से समाज को बचाया जा सके। आज कहाँ भेजी जाएगी ये बॉडी? सहारनपुर के अंदर रुड़की के अंदर इंस्टीट्यूट है, उसमें जाएगी। तो आज गुरुजी ने जगाया है, तो कितना सेवादारों में आज इसके प्रति जोश है या अन्य कार्यों के प्रति क्या कह जोश है? देखिए, जो गुरुजी ने 134 कार्य चलाए हैं उसमें से ये जो कार्य है ना, इतिहास में एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था दधीची। उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए समाज हित में अपना शरीर दान किया था और आज हमारे गुरुजी की प्रेरणा से लाखों अनुयायी अपने शरीर दान कर रहे हैं, तो लाखों दधीची बना दिए हैं गुरुजी ने। और इसके अलावा और भी, कभी गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में भूकंप आया, तो देश में जब सुनामी लहरें आई तो हमारे देश की सेना के साथ साथ ये जो ग्रीनेस की ड्रेस वाले सेवादार आप देख रहे हैं, ये सारे उन सभी जगह पर मौके पे गए और ये सभी कार्य हमारे गुरु जी की प्रेरणा से बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं हर जगह। तो अन्य समाज के लिए ये जो मानवता भलाई के कार्य करते हैं, हमारा उद्देश्य ये है सिर्फ भी समाज में जागृति आए। कोई भी इंसान समाज के अंदर किसी भी तरह की उसके घर में प्रॉब्लम हो तो सच्चा सौदा हमेशा समाज के साथ है और ये कार्य इसलिए बढ़ चढ़ के करते हैं ताकि समाज में जागृति आए, समाज जागरूक हो और समाज में मानवता भलाई के कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाएं। इसलिए ये सारे मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जा रहे हैं। सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है, पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी कुल संसार बने चाहे जीवन मुझ परवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही संकट ने मुझे घेरा हो चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिले
देता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। आग में मुझको जलना हो चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही माँ पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आटों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही बेनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। दम दम सतगुरु तेरा ही आसरा, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय सिंह तेरा नाम रहेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।